हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी नीट पे हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं ऑफ मॉर्फोलॉजी चैप्टर. और नेक्स्ट आने वाला एक हफ्ता बेटा थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू बैच, न्यू टाइमिंग्स. तो आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए. तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है, कि अगर बाई चांस टाइम चेंज होता है या कोई नया बैच लॉन्च है तो आपको पता चल जाए. अब जो बच्चे 11th मेरे साथ 12th क्लास के लिए जुड़े हुए हैं और 2022 नीट के लिए जुड़े हुए हैं बेटा, फॉर देम वी आर स्टार्टिंग विद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर कल से, ठीक है. तो अगर आप प्लस में आना चाहते हो तो जल्दी आ जाओ, बिकॉज दिस इज द सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास दैट वी आर कवरिंग. बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसका काफ़ी थियोरेटिकल वैसे काफ़ी बेस्ड, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, बट एटलीस्ट एक चैप्टर का टिक और आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. तो वाई टू पुट थिंग्स इन टू बैकलॉग एंड आई एम कोमल यादव एंड आई विल बी टेकिंग योर बॉटनी सेशंस ऑन अन अकेडमी नीट एज वेल एज प्लस. प्लस में हमारे सेशंस होते हैं 5 बजे, ठीक है. आज 9:30 PM टुडे वी विल हैव अ फ्री स्पेशल क्लास, ठीक है. मतलब इसके जस्ट बाद एक फ्री क्लास मिलेगी आपको. डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मेरा अन अकेडमी का प्रोफाइल मिलेगा, उस पर जाके क्लिक करो. पहली क्लास जो आज की दिखेगी वो है ये फ्री क्लास. इस फ्री क्लास में वी आर डूइंग समथिंग दैट इज नॉट इन एनसीईआरटी. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर कुछ दो टॉपिक्स छोटे छोटे ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर में आपको उसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है. तो उन दोनों चीज़ों को मैं आज समझाऊंगी डिटेल में. तो यू कैन जॉइन मी एट 9:30 PM ऑन स्पेशल, ठीक है बेटा. चलिए, शाबाश, चलो बुला लो सबको सो दैट एवरीबडी इज देयर. एंड दिस इज द टेलीग्राम लिंक दैट वी हैव, ठीक है. यहाँ पे PDF शेयर हो जाएंगे, जितने भी लिंक्स होंगे वो सब शेयर हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस DPP वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास. प्लस सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द नोटिफिकेशन दैट आर अबाउट टू कम, ठीक है. आप लोगों को ड्रॉपर्स बैच की रिक्वायरमेंट थी वो भी ध्यान में रखते हुए तो एक कंबाइंड कोर्स आपके लिए बनाया जा रहा है, जिसमें 11th वाले बच्चों का 11th कवर हो जाएगा और जो बच्चे ड्रॉप करना चाह रहे हैं उनका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का फर्स्ट पार्ट, पार्ट टू है ये. पार्ट वन में हमने ऑलरेडी इनफ्लोरेसेंस तक पढ़ लिया था, ठीक है. तो वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट टू ऑफ एनसीईआरटी, स्निप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. चलिए बढ़िया. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये तो पता ही है ना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. रिप्रोडक्टिव यूनिट है और मॉडिफाइड शूट है, ठीक है. इट्स अ मॉडिफाइड शूट दैट वी हैव ओके इन एंजियोस्पर्म्स. फ्लावर वैसे आपको सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा, इसलिए एंजियोस्पर्म्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है. और किसी भी कैटेगरी ऑफ प्लांट में एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, चारों में से किसी में भी फ्लावर नहीं है. फ्लावर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स. पॉइंट नंबर वन, इट इज मेन फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्स अरेंज सक्सेसिवली, एक के बाद एक, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ऑन अ स्वोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल नोन एज थैलेमस और रिसेप्टिकल. बेटा देखो, जो आपका फ्लावर है ना वो ऐसे एक स्टेज पे होता है ये, ठीक है. इस पे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है, चार वर्ल्ड्स जिसमें एक स्टेज बना हुआ था, वो स्टेज इज नोन एज थैलेमस. अब ध्यान दो, यहां पे एक लाइन और बोली है उन्होंने, द सोलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसल. तो ये जो डंडी है ना, ये हुई पेडिसल. तीन वर्ड आए अभी तक जो काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपस में ही. पेडिसल इज स्टॉक, एक बार ना ये ऊपर लिख देती हूं मैं, पेडिसल स्टॉक ऑफ फ्लावर, ठीक है, पहला. दूसरा, आपने पीटियोल सुना था, कुछ ना कुछ पीटियोल,
स्टॉक ऑफ लीफ, ठीक है, पेडंकल, स्टॉक ऑफ इनफ्लोरेसेंस, स्टॉक ऑफ इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, तीनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना, लिख लो चाहो तो एक जगह पर, तभी मैंने यहां मेंशन कर दिया ये चीज. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट. दीज स्टेज, दीज वर्ल्ड्स, फोर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ल्ड्स, केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. केलेक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स और नॉन एसेंशियल वर्ल्ड्स. क्या बोल सकते हो आप इनको? नॉन एसेंशियल वर्ल्ड्स. Why non-essential? Because ये directly sexual reproduction में involved नहीं होते हैं. These are not involved in sexual reproduction directly. Indirectly तो obviously है, अगर सुंदर नहीं होगा flower, pollination के लिए, attraction के लिए चाहिए वो, ठीक है, लेकिन these are not very very necessary with respect to sexual reproduction, क्योंकि ये directly involved नहीं है, indirectly involved है. तो directly involved कौन से worlds हैं आपके पास? Androecium and gynoecium of reproductive structure are known as essential worlds. Androecium, gynoecium को हम बोलेंगे essential worlds because these are directly involved in the process of sexual reproduction. ठीक, next. In some flowers like lily example ले लो, ठीक है, calyx and corolla is fused together. Calyx and corolla are not distinct and are termed as perianth. केलेक्स और कोरोला साथ में फ्यूज कर गए हैं, तो दो वर्ल बनाने की जगह, केलेक्स कोरोला अलग अलग होने की जगह एक सिंगल वर्ल है, अलग से आपको केलेक्स नहीं मिलेगा. तो पूरे वर्ल को हम बोलते हैं पेरियंथ. इंडिविजुअल एक एक यूनिट को हम बोलते हैं टेपल. ठीक, नाउ व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज नोन एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर में होंगे तो कहलाया जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर. A flower having either only stamen or only carpel is known as unisexual. ठीक है, अगर सिर्फ male है, अगर सिर्फ androecium है, सिर्फ male है, तो that is known as staminate flower. अगर सिर्फ female है तो it will be known as pistillate flower. Please ये चीज़ mention कर देना यहीं पर arrow करके नीचे, मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास होगा. स्टैमिनेट फ्लावर बिकॉज स्टेमन है खाली, पिस्टलेट फ्लावर क्योंकि पिस्टल है खाली. केलेक्स कोरोला ऑलमोस्ट दोनों प्रेजेंट है, लेकिन एंड्रोशियम और गाइनोशियम में से कोई एक प्रेजेंट है. ठीक है, क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? राइट, चलिए बेटा आगे. सिमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, ठीक है. और लास्ट ईयर 2020 में देखें तो मॉर्फोलॉजी के पोजीशन ऑफ फ्लावर और सिमेट्री पे का दो क्वेश्चन तो उसमें थे. हाँ, पोजीशन ऑफ ओवरी पे थे. तो जो मैं अभी समझाने जा रही हूँ उसको प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना. ठीक, द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर मे बी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक. इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले, क्या कहना चाह रहा है. अगर आप किसी फ्लावर को बीच में से पास होते हुए प्लेन से डिवाइड करते हो, किसी भी प्लेन में लाइन खींचते हो जो डायमीटर की तरह जा रही है, जो बीच में से निकलती है, इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स इन एनी प्लेन. ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री. फ्लावर क्या हो जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं सर्कल और उसमें प्लस, सर्कल और उसके अंदर प्लस का साइन. ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें सिर्फ एक लाइन खींचो, देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री,
दैट इज नोन एज बाइलेटरल सिमेट्री एंड इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो परसेंटेज का साइन या ऐसा क्रॉस. ठीक, नाउ लेट्स रीड व्हाट इट इज सेइंग एग्जैक्टली. ठीक, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, बीच से जा रहा है, दैट इज ओना एक्टिनोमॉर्फिक. एग्जाम्पल मस्टर्ड, धतूरा, चिली. मस्टर्ड, धतूरा, चिली पीछे दिए हुए फैमिलीज में अगर देखा जाए तो सोलनेसी पीछे आपके ना चार फैमिलीज दिए हुए हैं बेटा, ब्रासिकेसी, सोलनेसी, लिलिएसी एंड फैबेसी. ठीक है, इसी पेज इसी में एनसीईआरटी में पीछे जाओगे तो यू विल फाइंड ब्रासिकेसी का बस एक डायग्राम दे दिया, डिटेल नहीं दिया बट वो डायग्राम दे दिया इसलिए मैं पूरा पढ़ाती हूँ. ब्रासिकेसी, लिलिएसी, सोलनेसी एंड फैबेसी. तो ब्रासिकेसी मस्टर्ड, सोलनेसी धतूरा चिली एंड लिलिएसी आर ऑल एक्टिनोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक आपका तीसरा फैमिली हो जाएगा, दैट इज फैबेसी फैमिली. ठीक है, तो अगर फैमिलीज के टर्म्स में याद करना तो वो भी आप कर सकते हो क्योंकि चैप्टर के एंड में वो करना पड़ेगा. ठीक, तो एक बार बस पलट लो, समझ लो, दो तीन बार रिपीट होंगे ना. मॉर्फोलॉजी ऐसा चैप्टर है, यू कैन नॉट डू इट इन वन डे, इट इज थोड़ा सा रेपिटेशन चाहिए और रेपिटेशन भी एक बार नहीं, थोड़े थोड़े इंटरवल में, हफ्ते भर बाद, दो हफ्ते भर बाद, चार हफ्ते बाद, तो थोड़ा थोड़ा टाइम में रिपीट करते रहना है ना, तो ज़्यादा दिमाग में जाएगा. व्हेन इट इज व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली पासिंग थ्रू वन वर्टिकल प्लेन, दैट इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री. एग्जाम्पल पी, गुलमोहर, बीन, कासिया. ठीक है, नेक्स्ट, अ फ्लावर विद ए सिमेट्रिक रेगुलर इरेगुलरली प्लेस्ड. ऐसा अरेंजमेंट है अजीब सा, कोई प्लेन नहीं जा रहा जिसमें इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके. देयर इज नो प्लेन दैट कैन डिवाइड दैट फ्लावर इनटू इक्वल हाफ्स. इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इज सीन इन कैना. प्लांट का नाम है कैना. ओके, क्लियर, शाबाश. अब द फ्लावर मे बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, मतलब जो केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम हमारे पास वर्ल्ड्स है. केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम वर्ल्ड्स है, उसमें यूनिट है. जैसे केलेक्स ग्रीन कलर का होता है बाहर, उसके यूनिट्स को हम कहते हैं सेपल. ध्यान से सुनना फिर से, केलेक्स के यूनिट को बोला सेपल, कोरोला के यूनिट को बोला पेटल. पूरा वर्ल्ड कोरोला है, एक 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 सिंगल सिंगल पेटल है. बोलते हैं ना पेटल्स बड़े सुंदर है. ठीक, अगर पेरियांथ है तो केलेक्स कोरोला चिपके हुए हैं, फ्यूज है ना, दैट इज नोन एज टेपल. तो वर्ल इज पेरियांथ बट यूनिट्स आर टेपल्स. तो ये जो पूरा वर्ल बन रहा है ना, इसमें कितने सेपल, कितने पेटल, कितने सेपल्स, ये सारी चीज़ें आ रही है. टेपल्स कितने हैं, एंड्रोशियम कितने हैं, किसके मल्टीपल्स में है. अगर केलेक्स कोरोला एंड्रोशियम थ्री के मल्टीपल्स में है तो फ्लावर कहलाएगा ट्राइमेरिस. अगर चार के मल्टीपल्स में है तो टेट्रामेरिस. अगर पांच के मल्टीपल्स में है तो पेंटामेरिस. और अगर इससे ज़्यादा है, कुछ अजीब ही है, बहुत सारे पेटल्स दिख रहे हैं आपको, तो मल्टीमेरिस, पॉलीमेरिस. बट ऐसा होता नहीं है, कहीं ना कहीं इन तीन चार कैटेगरी में फिट हो जाता है. ठीक है, पॉलीमेरिस बोल देना फिर. राइट, व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल्स ऑफ थ्री, फोर एंड फाइव रिस्पेक्टिवली. फ्लावर्स विद ब्रैक्स रिड्यूस लाइव ब्रैक्स रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट एंड दोज विदाउट ब्रैक्स आर कॉल्ड एज ई ब्रैक्टिएट. अब सुनो, इधर एक छोटा सा कंपेरिजन क्रिएट करते हैं. ठीक है, लीफ एंड फ्लावर. ठीक, लीफ के बेस पे दो छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थे. डू यू रिमेंबर दैट, आज सुबह बताया. इन्हें हम कहते हैं स्टिप्यूल, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर मेजरली ग्रीन. ठीक है, ग्रीनिश कलर का होता है, हर्बेशियस सा होता है.
फ्लावर के बेस पे, फ्लावर के बेस पे यू विल फाइंड ब्रैक्ट, स्केली लीफी। ब्रैक्ट यूजुअली एक ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये पेयर में होता है आपके पास ज्यादातर, ठीक है, मेजॉरिटी। बट मेन डिफरेंस, ब्रैक्ट इज स्केली, पेपर जैसा, स्केल जैसा होगा हल्का सा, और ये लीफ लाइक एट द बेस ऑफ लीफ, ठीक है। पीटियोल, स्टॉक ऑफ लीफ, डंडी ऑफ लीफ इज नोन एज पीटियोल। स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज पेडिसल। तो आपको क्या बोला उसने, अरे ईयल ईयर, क्या बोला उसने, पेडिसल के बेस पे, पेडिसल एट द बेस ऑफ द पेडिसल यू विल फाइंड ब्रैक्ट। स्टिप्यूल अगर प्रेजेंट होता था तो हम कहते थे स्टिप्यूलेट लीफ, एब्सेंट होता था एक्स स्टिप्यूलेट लीफ, राइट। ब्रैक्ट अगर फ्लावर के बेस पे ब्रैक्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ब्रैक्टिएट फ्लावर, अगर एब्सेंट है ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। क्लियर? क्लियर माई पॉइंट? डन, लिख लिया? चले जी आगे। शाबाश, रामायण खत्म हो गई, आके पूछते हैं कि राम कौन था। सही राह पे हो बेटा, कोई नहीं, चलते जाओ, बिल्कुल सही राह है। आ जाए यार इधर, चलिए नेक्स्ट। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ केलेक्स कुरोला एंड रोशम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस, द फ्लावर इज डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। क्या कह रहा है कि फ्लावर में केलेक्स कुरोला एंड रोशम तो एक तरफ ले लिया हमने, और गाइनोशियम दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इनका आपस में पोजिशनिंग क्या है, उसके बेसिस पे हमने फ्लावर को फिर डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओवरी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ ओवरी वी हैव हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, फीमेल दैट इज द ओवरी पार्ट और द गाइनोशियम पार्ट टेक्स द हाइएस्ट पोजिशन, गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजिशन वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड एट बिलो इट। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सुपीरियर, एग्जाम्पल मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, और पीछे दिए हुए चारों फैमिलीज, ब्रैसिकेसी, लिलिएसी, सोलनेसी, फैबेसी, पीछे दी हुई चारों की चारों फैमिलीज, ठीक है, राइट। Now, if gynoecium is situated in the center and the flower or other parts of the flower are located at the rim of the thalamus, almost at the same level, then it is known as perigynous. Iska matlab the ovary here is said to be half inferior or half superior. Aadhi upar, aadhi niche. Theek hai? Example, peach, plum, rose. Sundar sundar sare examples hamare. Theek hai? Peach, plum, rose. Epigynous डायग्राम में है, दिखा रही हूँ मैं। Epigynous, the margin of the thalamus grows upwards, enclosing the ovary completely and getting fused with the other parts of the world, arises from the base, sorry, above the ovary. Other parts of the flower arise from above the ovary and the ovary takes the inferior position. Example, guava, cucumber, and ray florets of sunflower.
आप सनफ्लावर को देखोगे, पहली बात तो बेटा सनफ्लावर इज एन इनफ्लोरेसेंस, सनफ्लावर इज एन इनफ्लोरेसेंस, जिसमें आप बाहर वाले जो सुंदर सुंदर ऑरेंज रेड ऑरेंज येलो कलर के होते हैं, दोज आर नोन एज रे फ्लोरेट्स। सनफ्लावर के बीच में आपने देखा होगा छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं, दोज आर नोन एज डिस्क फ्लोरेट्स। ये रे फ्लोरेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। द डायग्राम इज सच, देखो पहले वाले को, ये आपके पास ओवरी का पोजिशनिंग है एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कमिंग फ्रॉम द बेस, केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ठीक है। इसमें आपके पास सुपीरियर ओवरी है तो ये हो गया हाइपोगाइनस, हाइपो मीन्स बिलो, गाइनस गाइनोशियम, दैट मीन्स द फ्लावर अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द गाइनोशियम, ठीक है। तो फ्लावर किस टाइप का हो गया, हाइपोगाइनस फ्लावर, वेयर ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी का पोजिशन क्या है, सुपीरियर, ठीक है। सिमिलरली लुक एट दिस, यहां पे आपके पास ऑलमोस्ट इस लेवल पे आ जा रहा है, योर ओवरी इज हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, ठीक है। पेरीफरी, पेरीफरी पे आपके पास, ओवरी के पेरीफरी पे आपके पास वर्ल्ड्स का ओरिजिन हो रहा है, इस पॉइंट से आ रही है सारी चीजें, ठीक है। सो दिस इज नोन एज पेरी, पेरीफरी से पेरी गाइनस, द फ्लावर इज अराइजिंग फ्रॉम द पेरीफरी ऑफ द गाइनोशियम, ओके। लास्ट ये देखो, पूरा गाइनोशियम नीचे है, द ओवरी इज बिलो, थैलेमस में एम्बेडेड है, अंदर है, और सारे फ्लावर के वर्ल्ड्स, केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ऑल आर कमिंग फ्रॉम अबव द ओवरी, दैट मीन्स ओवरी इज इन्फीरियर, इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। और ये हो जाएगा एपीगाइनस फ्लावर, एपी मीन्स अबव, गाइनस गाइनोशियम, सो अबव गाइनोशियम पूरा का पूरा फूल है, ओके, अबव गाइनोशियम, क्लियर। राइट, आई थिंक ये लिख लिया, शाबाश शाबाश बच्चा। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, चलो एक एक करके सारे वर्ल्ड्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज फोर वर्ल्ड्स, विज केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। अगर चारों के चारों वर्ल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इफ ऑल फोर अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, दैट फ्लावर इज नोन एज अ कंप्लीट फ्लावर, दैट फ्लावर इज नोन एज अ कंप्लीट फ्लावर बेटा। मान लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, दैट विल बी नोन एज एन इनकम्प्लीट फ्लावर, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ज्यादातर इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं, और वो देखो पेरियंथ वाला लिली, लिली में भी केलेक्स कोरोला अलग अलग नहीं है, दोनों फ्यूज कर जाते हैं टू फॉर्म पेरियंथ, दैट इज ऑल्सो एन इनकम्प्लीट फ्लावर। चारों वर्ल्ड होने चाहिए फॉर अस टू कॉल इट एज अ कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। चलो केलेक्स, केलेक्स इज द आउटरमोस्ट वर्ल्ड, आउटरमोस्ट कोई भी वर्ल्ड जो सबसे बाहर है उसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। इट इज द आउटरमोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड एज सेपल्स, वर्ल्ड पूरा केलेक्स है, मेंबर्स उसके सेपल्स हैं, जनरली सेपल्स आर ग्रीन इन कलर, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। मैंने वही कहा ना, जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है वो प्रोटेक्टिव होता है फंक्शन में, तो केलेक्स बीइंग आउटरमोस्ट वर्ल्ड वाज प्रोटेक्टिव व्हेन इट वाज इन अ बड स्टेज, द फ्लावर वाज इन अ बड स्टेज, प्रोटेक्टिव है, ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, बट फोटोसिंथेसिस तो होता रहेगा साइड में ग्रीन। द केलेक्स मे बी गेमोसेपलस और पॉलीसेपलस। अब देखो पहला बात यहीं पर समझ लो, केलेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बार बार केलेक्स 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 कौन लिखेगा, तो हम लिख देते हैं के, वी डिनोटेड विद द अल्फाबेट कैपिटल के, ठीक है। अब मान लो आपका प्लांट जो है, फ्लावर जो है, वो पेंटामेरस फ्लावर है, मतलब पांच सेपल्स है मेरे पास, ठीक, और वो पांचों के पांचों सेपल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रखे हैं, चिपके हुए हैं बिल्कुल, तो दैट इज नोन एज गेमोसेपलस, गेमो मीन्स फ्यूजन,
द सेपल्स आर फ्यूज्ड. ठीक है, तो केलिक्स 5 और ब्रैकेट टू शो फ्यूजन. वो 5 को हम ब्रैकेट में डालेंगे टू शो फ्यूजन ऑफ दोज सेपल्स और दोज यूनिट्स, अगर वो यूनाइटेड है तो. अगर नहीं है तो केलिक्स एंड जस्ट 5. अगर बेटा ये ट्राइमेरस फ्लावर था तो 3 आएगा, पेंटामेरस है तो 5 आ गया, टेट्रामेरस होता तो 4 आ जाता, 6 होते तो 6 आ जाएंगे, लेकिन 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 तो ट्राइमेरस ही है वो फ्लावर. लेकिन आप यहाँ पे 6 लिखोगे, 3 नहीं. जितने यूनिट हैं, जितने सेपल्स हैं, आप उतना लिख दो. फ्यूज्ड हैं, साथ में चिपके हुए हैं तो गेमोसेपल्स. फ्री हैं, पॉली मीन्स मल्टीपल, पॉली मीन्स मैनी, मैनी सेपल्स अलग अलग हैं. सिंपल. नेक्स्ट कोरोला. कोरोला इज कंपोज ऑफ पेटल्स. कोरोला इज कंपोज ऑफ पेटल्स. अब वही होगी ना बात, बार बार कौन लिखेगा कोरोला इतना बड़ा बड़ा. तो हमने क्या किया, छोटा वर्ड. वट विल दिस बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल सी. विल रिप्रेजेंट कोरोला विद कैपिटल सी. ठीक, चलिए. इट इज कंपोज ऑफ पेटल्स. पेटल्स आर यूजली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. तो इसका मेन काम क्या हो गया, अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ कोरोला. लाइक केलिक्स, कोरोला में ऑल्सो भी, कोरोला में ऑल्सो भी गेमो पेटलस. गेमो मैंने आपको बताया फ्यूज्ड, पेटलस चिपका हुआ, गेमो पेटलस और पॉली पेटलस. पॉली मीन्स मल्टीपल, पेटलस मीन्स पेटल्स, मल्टीपल पेटल्स अलग अलग हैं. द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स. आपने जितने तरीके के फूल देखे हैं वो तरीके के इसलिए हैं क्योंकि सब में कोरोला का डिफरेंस है. केलेक्स मेजरली ग्रीन होता है, एंड्रोशियम गाइनोशियम वैसा ही होगा. जो ब्राइटली कलर्ड आपको दिख रहा है, अलग दिख रहा है मेनली, वो आ जाता है आपका कोरोला. ठीक है, कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप्ड और व्हील शेप्ड. ठीक है, अलग अलग शेप्स हो सकते हैं कोरोला के, जिसमें कि कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे व्हील शेप जो है आपके पास ये आ जाता है चाइना रोज, जो कॉमन एग्जाम्पल्स है वो बता रही हूँ. फनल शेप्स, फनल शेप और इनफंडिबुलिफॉर्म दतुरा. ठीक है, उससे भी ज़्यादा बन जाते हैं कभी कभार, बहुत ज़्यादा ऐसे फनल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, हॉर्न जैसे बापू जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ट्यूबुलर. ठीक है, बेल शेप्ड, हैंगिंग ऐसे छोटे छोटे आपने देखे होंगे फ्लावर्स हैंगिंग, तो वो भी आ जाता है. देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ टाइप्स. रिबन जैसा, रिबन शेप, बहुत है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं. सो वी सी ह्यूज वेरिएशन इन द शेप एंड कलर एंड साइज ऑफ कोरोला. ठीक है, अब वही बात हो गई, वी हाउ टू रिप्रेजेंट दिस कोरोला. 5 अगर है ब्रैकेट, 5 आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पेंटामेरिस. जितने होंगे हम उतना नंबर लिखेंगे. वो फ्यूज होंगे आपस में तो ब्रैकेट आएगा, फ्यूज नहीं होंगे आपस में तो सी एंड जस्ट 5. 6 है तो 6, 7 है तो 7, 10 है तो 10, 2 है तो 2. ठीक है बेटा, बढ़िया, चंगा. चलिए, शाबाश. नेक्स्ट, ये तो नॉर्मल डायग्राम है, आगे आ जाओ. ये बड़ा मस्त है और इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है. एस्टिवेशन इज इम्पॉर्टेंट. एस्टिवेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड इज नोन एज एस्टिवेशन. ठीक है, अब जैसे ये क्या है, ये है इसका पेटल का अरेंजमेंट पेटल के हिसाब से, सेपल का अरेंजमेंट सेपल के हिसाब से. हम सेम वर्ल्ड में कौन कैसे अरेंज है, जैसे आपको सर्कल बनाने को बोला, ठीक है, 8th क्लास को और 12th क्लास के बच्चों को बोला दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लो. ठीक, ये बोला कि एक सर्कल 8th क्लास का बना दो और एक 12th क्लास के बच्चे अपना सर्कल बना लो. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनने चाहिए, बढ़िया. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो आपने एक एक के हाथ पकड़े हुए हैं. अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी इज कि जो बच्चे 12th क्लास के बाहर वाले सर्कल में खड़े हैं ना,
उनका अरेंजमेंट कैसा है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा सा अंदर हो सकता है कोई बच्चा थोड़ा बाहर हो, एक ऐसे खड़ा है एक ऐसे खड़ा है. तो हाउ आर यू स्टैंडिंग इन दैट सर्कल? आर यू ऑल फेसिंग टूवर्ड्स इनसाइड? आया टेढ़ा मेढ़ा खड़ा है कोई, कोई बैठ गया. सो वॉट इज योर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे क्लास का बच्चा? ठीक है, तो केलेक्स का अरेंजमेंट, कोरोला का अरेंजमेंट, लेकिन पेटल का अरेंजमेंट पेटल के हिसाब से, सेपल का अरेंजमेंट सेपल के हिसाब से. सेम वर्ल में देख रहे हैं हम, नोन एज एस्टिवेशन. मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर वैल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी. व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ वर्ल जस्ट टच ईच अदर बाय द मार्जिन, बिल्कुल बस साथ साथ प्लेस्ड है, ठीक है, बिल्कुल साइड बाय साइड, या फिर जस्ट टचिंग ईच अदर, दैट इज नोन एज वैल्वेट एस्टिवेशन. सेपल्स एंड पेटल्स, सेपल या पेटल कोई भी, या तो आप सेपल को देख लो या आप पेटल को देख लो, दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं देखना. पेटल को पेटल के हिसाब से, सेपल को सेपल के हिसाब से. वर्ल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग. एग्जाम्पल इन कैलोट्रोपिस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैल्वेट एस्टिवेशन. ये वाला देखो, मार्जिन जस्ट एक दूसरे के साइड में है. ये हो सकता है फ्यूज्ड भी हो बेटा, पूरा ऐसे चिपका हुआ भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि भाई गैप होना ही चाहिए, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन जस्ट एक दूसरे को टच करता हुआ या बिल्कुल मार्जिन पे. दिस इज वैल्वेट एग्जाम्पल, कैलोट्रोपस. ठीक, पीछे बैक. नेक्स्ट, if one margin of the appendage overlaps that of the other or the next one, so as in china rose, china rose corner mein bas ek overlap aa raha hai, theek hai, china rose, lady finger and cotton, in teenon ka naam ek sath kyun diya hai? In teenon ka naam ek sath isliye diya hai, teenon mein ye तीनों के अंदर आपको ट्विस्ट एंड एस्टिवेशन मिलेगी एंड ऑल थ्री ऑफ देम बिलोंग टू मालवेसी. काफी बार चाइना रोज का एग्जाम्पल रिपीटेड है, ठीक है, जो चाइना रोज में वही कॉटन में वही बिंडी में. तो ये जानना, ये याद रखना जरूरी है कि तीनों की फैमिली भी सेम ही है. ठीक, मान लो ऑप्शन में चाइना रोज ने दिया लेकिन कॉटन दिया है, सेम, ठीक है, सेम. कूल, चलो चाइना रोज इसको देखते हैं एक बारी. लुक एट दिस, कि ट्विस्टेड किसको कहते हैं? कह रहा है कि एक मार्जिन बाहर है एक मार्जिन अंदर है. देखा, वन मार्जिन इज आउटसाइड. ये देखो, ये बाहर वाले मार्जिन हैं सारे, हर पेटल हर सेपल के आउटसाइड मार्जिन, ये अंदर वाले मार्जिन. हर पेटल हर सेपल का एक मार्जिन अंदर की तरफ है. कैन यू सी दैट? ट्विस्टेड, ऐसे घुमाओगे तो रिंग जैसे रिंग घूमेगा. ठीक, एग्जाम्पल चाइना रोज. नेक्स्ट, इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन अ यूनिफॉर्म और अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एग्जाम्पल कासिया एंड गुलमोहर, दिस एस्टिवेशन इज नोन एज इम्ब्रिकेट. लुक एट दिस, जो अरेंजमेंट है उसमें अंदर है इसमें, ठीक है, एक साइड और अंदर है, इस वाले में एक अंदर पार्ट है, इसमें दोनों मार्जिन अंदर है. आउटसाइड मार्जिन देखे जाए तो आउटर मार्जिन, इसका एक मार्जिन बाहर एक मार्जिन बाहर, इसका एक भी मार्जिन बाहर नहीं है. वन मार्जिन आउट एंड वन मार्जिन आउट, द अदर मार्जिन इज ऑल्सो आउट. कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, दो देर इज एन ऑर्डर. अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक कम्प्लीटली इन, एक कम्प्लीटली आउट और तीन इन आउट दिखेंगे. दो, एक कम्प्लीटली ऐसा है जिसके दोनों मार्जिन अंदर है, देखो, ठीक है, इस वाले के दोनों मार्जिन बाहर है, राइट, रिंग के अंदर. और इस तीन ऐसे पेटल्स हैं मेरे पास जिनके अंदर एक इनसाइड मार्जिन एंड एक वन मार्जिन इज फेसिंग आउटसाइड. तो वन इन वन आउट एंड थ्री इन आउट
पेटल्स का अरेंजमेंट, दिस इज नोन एज इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट, सीन इन कासिया एंड गुलमोहर. इसके अलावा लास्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लास्ट इन पी और बीन फ्लावर, पी एंड बीन बिलोंग टू फैबेसी फैमिली. ध्यान दो, देर आर फाइव पेटल्स, बोल दिया इसने पांच ही होंगे, ठीक है, फाइव पेटल्स. द लार्जेस्ट पेटल स्टैंडर्ड ओवरलैप्स द टू लेटरल पेटल्स, ओवरलैप द टू लेटरल पेटल्स विंग्स विच इन टर्न ओवरलैप द टू स्मॉलर एंटीरियर, अंडरलाइन एंटीरियर, एंटीरियर को जरूर सर्कल कर लेना, आगे, एंटीरियर मीन्स आगे, ठीक है, पोस्टीरियर मीन्स पीछे, ए से आगे, ए से एंटीरियर, ठीक है. दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वेक्सिलरी और पैपिलिनेशियस. ये इसकी बात कर रहा है बेटा, ध्यान से इसको देखो, ये जो बड़ा वाला, इसको इसको कह रहा है स्टैंडर्ड, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड या फिर वेक्सिलम, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड और वेक्सिलम, ठीक है. दिस इज कौन सा पोजिशन है उसका, पीछे है ये, तो पोस्टीरियर, राइट, दिस एंड एंटीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड पे आपके पास लार्जेस्ट पेटल है, सबसे बड़ा वाला, स्टैंडर्ड और वेक्सिलम किसको कवर कर रहा है, दो साइड वाले विंग्स को, तो इन दोनों को हम कहते हैं विंग्स, ठीक है, और नीचे फ्यूज्ड कील और कैरीना, कैरीना भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है. ठीक, अब ध्यान देना इस बात का कि मेरे पास यहाँ पे पांच ही पेटल्स रहेंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे. दिस इज वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन विच इज वेरी वेरी कॉमन इन फैबेसी फैमिली, पैपिलिनेशियस या बटरफ्लाई शेप बोल सकते हो आप इसको. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, अब इतनी सारी कहानी कौन बताएगा, ठीक है, तो हम बड़ा सिंपली इन सबको नहीं लिख पाते, इन सबको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हम फॉर्मूला में, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला बना दिया कि भाई ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये पूरी कहानी कौन लिखेगा. तो कोरोला आपको ये केलेक्स में भी नहीं मिलता ज़्यादा, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेजरली सीन इन कोरोला नॉट इन केलेक्स, ठीक है. तो सेपल्स का ऐसा अरेंजमेंट बहुत नहीं मिलेगा, आपको पेटल्स का ही ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा पी फैमिली में, दैट इज फैबेसी फैमिली, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उस फैमिली का, ठीक है. कोरोला लिखा सी, वन स्टैंडर्ड, बहुत बड़ा सा स्टैंडर्ड है, प्लस टू फ्री विंग्स, नीचे वाले दो फ्यूज्ड, और फ्यूजन हम कैसे दिखाते हैं, सेम वॉल में ब्रैकेट्स है, वन प्लस टू फ्यूज्ड, ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वरना एस्टिवेशन को हम फॉर्मूला में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इज माई पॉइंट क्लियर? कूल, कुछ नहीं हो सकता इस देश का, 90% दुनिया के दिमाग में शादी और आशिकी चल रही है. एंड्रोशियम, थर्ड वर्ल्ड, एंड्रोशियम इज कम्पोज ऑफ स्टेमेंस, जो सिंगल यूनिट है वो क्या हो गई, स्टेमेन. एंड्रोशियम इज कम्पोज ऑफ स्टेमेंस, ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और अ फिलामेंट डंडी एंड एन एंथर, ठीक है. ईच एंथर इज यूजली बायलोब्ड, ये बड़ी मस्त कहानी है, थोड़े से मैं समझा देती हूँ फिर रीड कर लेंगे, ज्यादा मजा आएगा. लुक एट दिस, दिस इज अ स्टेमेन, ये कहलाता है एंथर, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज फिलामेंट,
दिस इज नोन एज फिलामेंट. अब देखो बेटा, इस पॉइंट से नीचे जुड़ा होगा ये फ्लावर को, ये पॉइंट है जहां से आप फ्लावर को जुड़े हो ना, ठीक. सो दिस एंड इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड. इधर आओ. दिस पॉइंट इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टेमिन. ये हो जाएगा डिस्टल एंड, ठीक. इन दोनों को साथ में हम क्या बोलेंगे, स्टेमिन, ठीक. अब एंथर जब मैंने बनाया तो मैंने दो लोब्स बनाए, एक ये दूसरा ये, तो आई हैव टू लोब्स, दैट इज नोन एज बाई लोब्ड. अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, इफ आई कट इट फ्रॉम हियर एंड व्यू इट, कट किया नीचे देखा तो हमको दिखाई देगा कुछ ऐसे. ठीक है, चार गड्ढे दिखाई देंगे कॉर्नर्स में. द फोर कॉर्नर्स दैट यू सी, एक को हम बोलते हैं माइक्रो स्पोर एंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का मतलब होता है स्पोर कैरिंग कैविटी. लिख लो, स्पोर कैरिंग कैविटी इज नोन एज स्पोरेंजियम. ठीक है, स्पोरेंजियम इज स्पोर कैरिंग कैविटी. माइक्रो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेल स्पोर को हम माइक्रो से रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू आउट प्लांट किंगडम. ठीक है, साइज वाइज भी छोटा है, तो माइक्रोस्पोर बोला किसको, मेल स्पोर को. मेल स्पोर माइक्रोस्पोर बनाने वाला गड्ढा माइक्रोस्पोरेंजियम. टोटल कितने हैं, चार. ठीक है, बिकॉज देर आर फोर, माई एंथर इज ऑल्सो नोन एज टेट्रा स्पोरेंजिएट. टेट्रा स्पोरेंजिएट, ओके. ईच एंथर इज बाइलोब्ड. आ जाओ जरा टेक्स्ट पे. Each anther is bilobed and each lobe has two chambers. इस lobe के अंदर दो chambers है ना, ये वाला देखो जो blue part कर दिया मैंने, that was one lobe. उसमें दो chambers थे. So each lobe is known as diathecus. दो lobes हैं, कट किया, हर एक लोब के अंदर दो गड्ढे हैं. ठीक है, ईच लोब इज डाइथिकस. ये डाइथिकस, ये डाइथिकस, 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 चार हो गए, चार साथ में कहलाएंगे टेट्रास्पोरेंजिएट. बाइलोब्ड, कट किया, एक लोब में देखा दो गड्ढे थे, तो हर लोब डाइथिकस है, पूरा का पूरा एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट है. खूब. The pollen sacs. The pollen grains are produced in pollen sacs. A sterile anther is known as, sterile stamen is known as staminode. Staminode is seen in, staminode ka example cassia mein milta hai. Cassia shows staminode, sterile stamen. Sterile stamen. ठीक है बच्चा, कूल. हाँ जी, स्टेमन ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्स. ये कह रहा है कि जितने भी ये स्टेमन है मेरे पास, हो सकता है ये खुद से फ्यूज्ड हो या ये किसी और वर्ल से फ्यूज्ड हो. वर्ल क्या बचे मेरे पास, अगर मैं एंड्रोशियम की खुद की बात कर रही हूँ तो मेरे पास बचा केलेक्स, कोरोला, गाइनोशियम. केलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. केलेक्स कोरोला बचा, एंड्रोशियम नहीं है, गाइनोशियम बचा, तीन ये. केलेक्स कोरोला को आप अगर फ्यूज करा देते हो तो पेरियंथ बन जाता है. तो ओवरऑल मेरे पास चार ही तो स्ट्रक्चर्स है जिनके साथ फ्यूज किया जा सकता है. ठीक है, सो स्टेमिन ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमंग देमसेल्स. व्हेन स्टेमिन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स, जब पेटल को अटैच्ड है स्टेमिन, द
दैट इज नोन एज एपिपेटलस. एग्जाम्पल ब्रिंजल, या पूरा सोलनेसी फैमिली भी लिख सकते हो, सोलनेसी फैमिली भी लिख सकते हो. अगला एपिफाइलस, एपिफाइलस व्हेन इट इज अटैच टू पेरियंथ. एग्जाम्पल लिली और लिलिएसी फैमिली. स्टेमन्स इन द फ्लावर में आइदर रिमेन फ्यूज्ड और फ्री. अगर वो कम्प्लीटली फ्री है, सारे के सारे स्टेमन एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन, जो कि ज़्यादातर फूलों में हमें मिलता है. पॉलीएंड्रस मल्टीपल एंड्रोश, मल्टीपल मेल सेक्स ऑर्गन, और यू कैन से स्टेमन, और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्रीज. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द स्टेमन्स मे बी यूनाइटेड इन टू अ बंच, एक गुच्छे में आ सकते हैं, राइट. कैसे फ्यूज होगा? जब इट इज फ्यूज इन मोनो एडल्फिस, जैसे कि चाइना रोज में दो बंडल बना सकता है डाई एडल्फिस इन पी, एंड मोर देन वन बंडल पॉली एडल्फिस इन सिट्रस. एडल्फिस का मतलब समझो, अपने आप समझ में आ जाएगी कहानी. कहाँ लिखे, यहाँ लिख दूँ? एडल्फिस मीन्स एंथर्स आर फ्री बट फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड. एंथर फ्री, फिलामेंट फ्यूज्ड. बात सुनो, एंथर फ्री, जैसे आपने क्या किया है, बहुत सारे रोजेज आप लेके आए, आपने स्टेम से पकड़ लिए, ऊपर फ्लावर फ्री है लेकिन उसका बंच, नीचे वाला जो स्टॉक है वो जुड़ा हुआ है. ऐसे ही आपके पास बहुत सारे एंथर थे, आपने ये पूरा स्टेमन थे, एंथर्स फ्री हैं लेकिन आपने नीचे से पकड़ लिया. अब आपने ऐसे पकड़ के कितने गुच्छे बनाए, हाउ मेनी बंचेस? इफ यू मेक वन बंच मोनो एडल्फिस चाइना रोज, इफ यू मेक टू बंचेस, टू बंच डाई एडल्फिस पी फैबेसी फैमिली, इफ यू मेक मल्टीपल बंच सिट्रस पॉली एडल्फिस. ठीक है, आपस में ही फ्यूज्ड है, आपस में ही फ्यूज्ड है. ये सिर्फ इतना है? नहीं, इतना ही है. थोड़ा मैं एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से, बट एक बार रेफर कर लेना नोट्स, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगी. लास्ट लाइन देखो, लुक एट द लास्ट लाइन. अरे यार, देयर आर, दे मे बी वेरिएशन इन द लेंथ एज वेल. लेंथ में भी वेरिएशन हो सकती है, लाइक इन फिलामेंट्स ऑफ सैल्विया एंड मस्टर्ड. अब बेटा ध्यान दो, इसको मैं अलग पेज पे बना रही हूँ, नोट्स लिख लेना, ठीक है. लास्ट वाली लाइन के लिए है ये सिर्फ, ये आपका गाइनोशियम, ठीक है. बीच में चार लॉन्ग स्टेमन है, दो छोटे स्टेमन है, ठीक है. एंड्रोशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए अल्फाबेट से, कैपिटल ए, ठीक. चार लॉन्ग चार शॉर्ट, 4+2 लिखेंगे हम इसको, 4+2, लेंथ डिफरेंट है. दिस इज सीन इन, और दिस इज नोन एज टेट्रा डायनेमस कंडीशन. एग्जाम्पल ब्रासिकेसी फैमिली, जो नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ था मस्टर्ड का, ठीक है. दूसरी कंडीशन, दो छोटे स्टेमन, दो लंबे स्टेमन, ओके. एंड्रोशियम 2+2 अरेंजमेंट लिखा हमने. दिस कंडीशन इज नोन एज डाई डायनेमस, डाई डायनेमस.
एग्जाम्पल लेमिएसी फैमिली, जिसमें एग्जाम्पल आया था नीचे दिया हुआ सैल्विया, ठीक है, सैल्विया एंड ऑसिमम तुलसी, ऑसिमम तुलसी, ठीक है. अब ऐसा भी पॉसिबल है कि ब्रासिकेसी में ये भी आ जाए, बट रेयर होता है, रेयर होता है, ठीक है. कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये काम आ जाएगा, इसको एनसीईआरटी में ही लिख लेना. अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में सैल्विया को देख के कंफ्यूजन हो रही होगी, सैल्विनिया. जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसने शायद प्लांट किंगडम में एक वर्ड सुना था, सैल्विनिया. सैल्विनिया इज अ टेरिडोफाइटा बेटा, वो एक्वेटिक है और टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइट्स में आएगा, यहाँ नहीं आएगा. दिस इज अ डिफरेंट प्लांट, सैल्विया. शाबाश. सैल्विया मतलब पेड़ का मतलब बताओ हमें, नीम मतलब. गजब हो, एवरी टाइम अनदर लेवल ऑफ नॉनसेंस, ग्रैंड सल्यूट. चलो गाइनोशियम, गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल. अगर एक कार्पल का बना है मोनोकार्पलरी, अगर ज्यादा कार्पल्स का बना है मल्टीकार्पलरी. कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, नेमली स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी. कार्पल में तीन चीजें आएंगी. स्टाइल, स्टिग्मा, जिसपे कि पोलन आके गिरता है स्टेट जैसा, डंडी, स्टाइल, बेसल स्वोलन पार्ट, ओवरी. Ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tube known as style. The style connects ovary with the stigma. Stigma is usually where, usually at the tip of the style, and it is where the pollen grains are received. The receptive surface for pollen grains. हाँ जी, किसका copy paste ज़्यादा हो गया? चलो भाई, शाबाश. हाँ यस सिद्धार्थ, चलिए ठीक है बेटा. यहाँ तक, ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेंड कुशन्ड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज प्लेसेंटा. व्हाट इज दिस? थोड़ा सा लेबलिंग ऑन अ न्यू पेज, अंडरस्टैंड एंड हो सके तो राइट. थोड़ा ज्यादा बड़ा बना रही हूं मैं इसको ताकि सारे स्ट्रक्चर्स को हम लेबल कर सके प्रॉपरली. ओके, नाउ दिस इज स्टिग्मा, ये हुआ स्टाइल, ये हुआ ओवरी, ठीक है. और अगर ज्यादा स्पेसिफिक बोल दूं इसको तो ये हुआ ओवरी वॉल, ओवरी वॉल, ठीक है. ये इधर इस ओवरी वॉल के अंदर यहां पे आता है एक ओव्यूल, दिस इज नोन एज ओव्यूल, जो कि आगे जाके बन जाएगा सीड, ठीक है. ओव्यूल एक स्ट्रक्चर को अटैच्ड होता है, दिस स्ट्रक्चर हियर इज नोन एज प्लेसेंटा. प्लेसेंटा का रोल वही है जो ह्यूमंस में होता है, सो इट्स अ कुशनी टिश्यू
जो न्यूट्रिटिव है फंक्शन में, ठीक है, इट इज प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. कैसे? यहाँ से प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन ओव्यूल को जाएगा, ओव्यूल से अंदर एम्ब्रियो को जाएगा, ठीक है. ओव्यूल के अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं, दिस आउटर कवरिंग इज नोन एज इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट, ठीक है. ओव्यूल को अगर मैं पूरा बाहर लेबल कर दूं, इफ आई जस्ट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन ओव्यूल, इट इज लाइक दिस. ओव्यूल का डायग्राम, ओव्यूल की डंडी कहलाएगी फ्यूनिकल. ये पूरी बॉडी ओव्यूल है. डंडी जहां पे ओव्यूल को टच कर रही है, दिस पॉइंट, दिस इज नोन एज हाइलम. पॉइंट वेयर ओव्यूल इज अटैच टू द फ्यूनिकल, द स्टॉक. द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नोन एज इंटेग्यूमेंट. किसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये? अंदर के इस टिश्यू को. दिस टिश्यू हियर इज नोन एज म्यूसेलस, लेकिन पूरा नहीं कवर कर रहा है, एक छोटा सा पोर छोड़ देता है यहां पे. इस पोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, छोटा सा पोर, ठीक है. दिस बिकम्स द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल. माइक्रोपाइल जिस तरफ है उसके जस्ट ऊपर की तरफ या दूसरी तरफ, ठीक है, दिस विल बी नोन एज चलाजल एंड, ठीक है. और इसी न्यूसेलस के बीचों बीच बैठा होगा आपका एम्ब्रियो सैक. व्हाट विल बी प्रेजेंट हियर? इन द मिडल ऑफ इट यू विल फाइंड एम्ब्रियो सैक, ठीक. तो ये जो डंडी दिखी आपको, ये हुई फ्यूनिकल. फ्यूनिकल से आप नीचे अटैच्ड हो किसको? प्लेसेंटा को. नरिशमेंट ले रहे हैं हम यहां से, ठीक. लेकिन ये पूरा का ओव्यूल, पूरा का पूरा ओव्यूल एक कैविटी के अंदर है. जैसे मान लो अगर आप ओव्यूल हो तो आपकी टांगे फ्यूनिकल हो गई, ठीक है. लेकिन मैं इस कमरे में बैठी हूं, राइट. इफ आई एम द ओव्यूल देन आई एम इन दिस पर्टिकुलर रूम. तो रूम की जो वॉल है वो है ओवरी की वॉल, और मैं हूं ओव्यूल. तो जब मेरे हाथ हिल रहे हैं, नाड़ी निंडाड़ी, वेयर एम आई एबल टू मूव? इन द चेंबर, है ना. दिस चेंबर इज नोन एज लॉक्यूल. दिस चेंबर में ओव्यूल प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज लॉक्यूल. अविष्का इज बिजी, यस. आर यू बिजी अविष्का? यस. चूजे जितनी हाइट नहीं है तुम्हारी. ओह माय गॉड, सॉरी, शी इज रिप्लाइंग. सॉरी, ये तो असली आशिकी के बीच आ गई. मैंने कहाँ इतनी हिम्मत पढ़ाएगी. एजुकेशन, हाउ कैन इट इंटरफेयर विद प्यार? ओ सॉरी. चलिए, तो इसी कहानी को जो मैंने अभी पिछले 5 मिनट में बोला उसको रीड कर लेते हैं. एनसीईआरटी ने लिख दी है. क्या लिख दिया है? ये प्लेसेंटा की बात करी थी उसने, वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर जहाँ हम अटैच थे. व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री. ये देखो, वन और मोर कार्पल बोला, ठीक है. वन है तो मोनो यूनिलोक्युलर, सॉरी मोनोकार्पुलरी. ज़्यादा है तो मल्टी कार्पुलरी. अब बहुत सारे कार्पल्स हो सकते हैं साथ में फ्यूज्ड हो, सिनकार्पस फ्री होंगे, एपोकार्पस कहाँ गया? फ्री है अगर तो एपोकार्पस, फ्यूज्ड है अगर टर्म सिनकार्पस इज यूज्ड. सिन मींस फ्यूज्ड अगेन, कार्पल्स आर फ्यूज्ड एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो, ठीक है.
एपोकार्पस का एग्जाम्पल नहीं बोला, हाँ सिनकार्पस में ये आ जाएगा और एपोकार्पस में आपके पास आ जाएगा मित्रों माइशेलिया, ठीक है, अलग अलग. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड द ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट. सो स्वीट, कितना टिंगू सी बात एक बार में बोल गया. ओव्यूल्स बन जाएंगे सीड और ओवरी बन जाएगी फ्रूट. को लोटस रोज दिया है ना. ओह सॉरी माय मिस्टेक. हाँ मैं वही देखूँ एग्जाम्पल कैसे नहीं दिया, एग्जाम्पल तो देना चाहिए था. लोटस एंड रोज, सॉरी मेरे को चैट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया अब. थैंक यू दिख गया. चलो आगे. मुबारक हो, मुबारक हो. चलिए प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन क्या है? प्लेसेंटेशन के नाम में देखो प्लेसेंटा आ रहा है यार. क्या है, क्या प्रॉब्लम, क्या है? साइकोमोटर कंट्रोल कौन? अपनी क्लास है रे 9:30 पे. हाँ 9:30 10 पे 9:30 पे 10 पे. ओके प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा पे ओव्यूल का अरेंजमेंट. ओव्यूल चिपका हुआ था एक जगह पे, जिस जगह चिपकता है उसको क्या बोला हमने? प्लेसेंटा. जिस जगह पे चिपका है उसको प्लेसेंटेशन कहेंगे. कैसे अरेंज्ड है? सो द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन. ओवरी के अंदर कैसे अरेंजमेंट है ओव्यूल का, जहां जहां पे ओव्यूल का स्टॉक चिपकेगा वहां प्लेसेंटा बन जाएगा प्रॉपर, ठीक है. सो प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्सियल, प्लस पराइटल, बेसल एंड सेंट्रल, फ्री सेंट्रल. ओके पहला मार्जिनल, मटर दिमाग में मटर आ जाना चाहिए तुरंत. मार्जिनल प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज, पतली सी डंडी, ठीक है, पक डंडी अलोंग द वर्टिकल सूचर. वर्टिकल सूचर क्या होता है? एक होता है डॉर्सल, एक होता है वेंट्रल, ठीक है, सॉरी वेंट्रल ही है, मैं वही बोलूँ वर्टिकल ही है. एक होता है डॉर्सल, डॉर्सल होता है ऊपर वाला साइड, वेंट्रल होता है नीचे वाला साइड. मटर, मटर में आप देखोगे ऐसे बन जाता है ना पॉड जो है, उसमें एक तरफ आपको प्रॉपर लाइन दिखती है, एक तरफ बहुत स्लाइट लाइन होती है. जहाँ वो डार्क वाला गड्ढा है ना प्रॉपर, उसको आप खोलोगे उस पॉइंट पे मटर अटैच्ड होते हैं. दिस पार्ट का है इतना टेंशन. ये This is the ventral part. This is the dorsal part. सूचर इज जहां पे दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे, एक रिज, एक कैविटी सा बन रहा है. कैविटी नहीं बोलते उसको, द बेटर वर्ड वुड बी अ लिटल हल्का सा डिप्रेशन, हल्का सा लाइन का गड्ढा, ठीक है. सो ये है, इसमें वेंट्रल सूचर पे अटैच्ड है आपका सारे के सारे ओव्यूल्स. Of the ovary and the ovules are born on this ridge, forming two rows as in P. ठीक है, आप जब मटर को खोलोगे तो what you're going to find is if you open it like this, ठीक है, अगर ये आपका मटर था तो आपको ना ऐसे लगे हुए मटर दिखेंगे, alternate row. खोलोगे ना एक left, एक right, एक left, एक right, एक left, एक right, है ना. तो वो जो लेफ्ट राइट लगे हुए हैं मटर इन टू ऑल्टरनेट रोज, डोंट फॉरगेट दिस, फॉर्मिंग टू रोज. कूल. व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड, एक्साइल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन द मल्टीलॉक्यूलर ओवरी. मल्टीलॉक्यूलर मतलब लॉक्यूल मीन्स चेंबर, गड्ढा, बहुत सारे गड्ढे,
ठीक, टमाटर जाके काटना आज घर पे, टमाटर काटोगे दो गड्ढे दिखते हैं लेफ्ट राइट, बीच में आपको स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। मल्टीलोक्युलर ओवरी द प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज एग्जाइल सच एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। नींबू तो बेस्ट एग्जाम्पल है, नींबू तो बेस्ट एग्जाम्पल। नींबू को कट करो, जहाँ पे बीज लगे होते, देखो बीचों बीच यू विल फाइंड द सीड्स इन द मिडल, है ना, दैट इज द एग्जाइल पॉइंट। ये तो इसको देखते हैं, इसमें देखो बेटा, ये ओव्यूल है, ये लॉक्यूल है, और ये वेंट्रल साइड पे आपका प्लेसेंटा, ठीक। इसमें देखो ये ओव्यूल, चेंबर देखो तीन दिख रहे हैं आपको, लॉक्यूल एंड दिस इज प्लेसेंटा, बिल्कुल सेंटर में, इन द सेंटर। एक्सिल ऑफ दीज, एक्सिलरी का मतलब एंगल में ना, ये देखो ये आपका एंगल बन रहा है, ये आपका प्लेसेंटा और ओव्यूल, एंगल में बीचों बीच घुसा हो, ठीक है। लेमन, चाइना रोज एंड टोमेटो, टोमेटो में और भी मस्त बात, टोमेटो बिलोंग्स टू विच फैमिली, सोलनेसी फैमिली, इसको यहाँ ले आते हैं। टोमेटो इज सोलनेसी फैमिली, सोलनेसी फैमिली का एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है सोलन प्लेसेंटा। आप टमाटर काटोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा ओवरी, यहां पे ओव्यूल्स लगे होंगे, दिस इज द सोलन प्लेसेंटा। टमाटर में आपको ऐसे बीच वाला पार्ट सोलन मिलेगा, दैट इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलनेसी फैमिली, सोलन प्लेसेंटा, ठीक है। फिर आता है पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन, द ओव्यूल डेवलप्स इन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। द ओवरी इज वन चेम्बर्ड, इस पे बाद में आते हैं, पहले इसका डायग्राम देखो, ये नहीं, ये पेराइटल, ये दिस वन पेराइटल के अंदर आप इफ यू लुक एट इट प्रॉपरली, दिस इज ओव्यूल, ये प्लेसेंटा और ये चेम्बर लॉक्यूल, ठीक है। पूरे में कॉर्नर्स पे पेरिफेरी पे लगा हुआ है, ठीक, यहां तक तो हो गई बात, पेराइटल पता चल गया, सॉरी हाँ पेराइटल पता चल गया क्या है। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं, ओवरी इज वन चेम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम। फॉल्स सेप्टम का नाम है, फॉल्स सेप्टा इज नोन एज रेप्लम, लेकिन ये हर पेराइटल प्लेसेंटेशन में नहीं होगा। पेराइटल प्लेसेंटेशन की जो बात थी ना बेटा, वो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हो गई। ये जो लाइन बोली ना इन्होंने, जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाली पार्ट, दिस लाइन इज फॉर ब्रैसिकेसी फैमिली मस्टर्ड। ब्रैसिकेसी फैमिली के मेंबर्स में आपको रेप्लम दिखाई देता है, नॉट इन एवरी पेराइटल प्लेसेंटेशन, नॉट इन एवरी पेराइटल प्लेसेंटेशन। इसका मतलब जैसे आर्जिमोन हो गया, हाँ दिस इज जस्ट नॉर्मल पेराइटल प्लेसेंटेशन, समझे बात। इनफैक्ट क्यूकम्बर, खीरा खाओगे ना अगली बार तो ध्यान से देखना, व्हेन यू कट इट, जो बीज है खीरे के बाहर की तरफ डंडी होती है, अंदर फूला होता है। इफ यू लुक एट खीरा, ऐसे अगर है तो आपके पास बीज ऐसे लगे होते हैं उसमें, देखा है कभी किसी ने नोटिस की है बात। है ना, डिड एनीबडी नो दिस? हाँ नहीं किया तो देखना एक बार। क्यूकम्बर में यू विल सी सीड्स अटैच फ्रॉम द आउटसाइड पार्ट टू इनर,
एक्सिलरी नहीं है, वो एक्साइल प्लासेंटेशन नहीं है. एक्साइल प्लासेंटेशन में सीड बीच से बाहर की तरफ होता है. द फ्यूनिकल इज अटैच्ड टू द इनर पार्ट, वहाँ से बाहर जा रहा है वो. ओके नेक्स्ट, कहाँ पहुँच गए. When the ovules are born in central axis and septa is are absent. लव जी लास्ट पोर्शन. ओव्यूल्स जो हैं वो सेंटर में है लेकिन कोई भी सेप्टा नहीं है, कोई डिविजन नहीं है. लाइक इन डायंथस एंड प्रिमरोज दिस प्लासेंटेशन इज नोन एज फ्री सेंट्रल. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन. ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फ्री में अटैच्ड है बीच में. ये प्लेसेंटा, उसको लगे हुए ओव्यूल्स एंड दिस इज लॉक्यूल. क्योंकि आपने ऐसे काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन देखा है ऊपर से, ठीक. अगर आप इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते ना ऐसे लंबा, इसकी ओवरी को, तो आपको ऐसा दिखाई देता कुछ. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को आपने काट के तो ऐसा लगा बीच में हवा में चल रहा है सब कुछ, ठीक है. तो आपके पास ओव्यूल लॉक्यूल प्लेसेंटा, दिस इज सीन, दिस इज नोन एज फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन सीन इन डायंथस एंड प्रिमरोज. कूल योर्स. लास्ट बेसल प्लासेंटेशन. अभी तक देखो जितने भी आपके पास, जितने भी हमने पढ़े ऑल फोर टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन, सब में बहुत सारे ओव्यूल्स थे. वी हैड मल्टीपल ओव्यूल्स, है कि नहीं. आई हैड मल्टीपल ओव्यूल्स हियर 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 एंड हियर. यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ओव्यूल है जो बीच में वाइट पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट. दिस इज द ओनली ओव्यूल. जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पे, दैट इज ये ओव्यूल, ये लॉक्यूल और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्लेसेंटा. Basal placentation, the placenta develops at the base of the ovary and a single ovule is attached. Single ovule is attached. Seen in sunflower and marigold. बात ये है कि एक ovule है जिसका ध्यान रखना है. This is a very advanced feature. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट बहुत सारे सीड्स बनाता है, कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते हैं. एक ही फ्रूट के अंदर इतने सारे सीड्स, तो क्या सबको प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाएगा, क्वेश्चन. ठीक है, तो प्लांट ने धीरे धीरे रियलाइज किया कि इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग 10,000 सीड्स विद नॉट मैनी मच न्यूट्रिशन और सर्वाइवल रेट कम, इससे अच्छा एक काम करते हैं, हर एक ओवरी में एक सीड रखते हैं, एक ओव्यूल रखते हैं, एक फ्रूट में एक सीड जाने दो. ठीक है, तो एक सीड बन रहा है आपका एक फ्रूट के अंदर, दैट इज काइंड ऑफ कंसिडर्ड एज अ एडवांस फीचर. क्योंकि अकेला है तो सारा नरिशमेंट बैठ के खाएगा खुशी खुशी, ठीक. हेंस सीन इन एडवांस फैमिलीज ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट. डाइकॉट की एडवांस फैमिली एस्टरेसी सनफ्लावर की फैमिली. सनफ्लावर मैरीगोल्ड एक ही साथ है, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं. एग्जाम्पल एस्टरेसी, एस्टरेसी फैमिली को ही बिलोंग करते हैं दोनों, मैरीगोल्ड एज वेल एज सनफ्लावर. द एडवांस, वन ऑफ द एडवांस फैमिलीज ऑफ डाइकॉट. एडवांस फैमिलीज ऑफ मोनोकॉट में आता है पोएसी, पोएसी में भी मिलेगा आपको. ग्रास, ग्रास फैमिली, ये आपका वीट राइस मेज सब इधर. चलिए आगे, शाबाश शाबाश. मूविंग अहेड, फ्रूट फ्रूट. फ्रूट लास्ट पोर्शन, ठीक है. इसके बाद सीड और बाकी के टेक्निकल टर्म्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज टुमारो मॉर्निंग 9 AM. फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, ऑब्वियसली ओवरी भी पहली बार आया है तो ओवरी ही फ्रूट बनाएगा, ओवरी ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फ्लावर ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फ्लावर ओवरी फ्रूट सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ एंजियोस्पर्म दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स. इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, इट इज कॉल्ड एज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट विल नॉट हैव सीड्स, सो इट विल बी अ सीडलेस
फर्टिलाइजेशन हुई नहीं आर्टिफिशियली, हमने मारे केमिकल, बोला देख तेरा तो हो गया फर्टिलाइजेशन। पेड़ बोला अच्छा ठीक है, फ्रूट तो बना दिया बेचारे ने, सीड कैसे बनाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के? ठीक है, मेल गेमीट फीमेल गेमीट फर्टिलाइज फ्यूजन ही नहीं हुआ, सीड बनेगा ही नहीं, सीड बनेगा नहीं तो आगे नेक्स्ट जनरेशन आएगी ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल सीडलेस पपाया, पहले पपाया आप काटते थे अंदर से ऐसे छोटे 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 कंचे जैसे, बहुत सारे सीड्स गिरते थे, अब नहीं गिरते, छोटे छोटे वाइट 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 लगे रह जाता है साइड में, जिसको हल्का सा आप स्क्रैप करते हो हटा देते हो, सीडलेस पपाया। ठीक है, क्योंकि ओव्यूल तो वहीं रहेगा ना बेटा, ओव्यूल थोड़ी गायब हो जाएगा, तुम्हें सीड नहीं चाहिए लेकिन तुम ओव्यूल बोले अरे यार ओव्यूल भी गायब करो, नहीं, ओव्यूल इज नॉट गोइंग टू गेट राइपन्ड, वो प्रॉपर ब्लैक सीड्स नहीं बन रहा पपीते में, वो छोटे छोटे वाइट वाइट जैसा वो ओव्यूल था वैसा रह गया। सीडलेस वाटरमेलन, वाटरमेलन में प्रॉपर काले बीज आते हैं, ठीक है, हार्ड, लेकिन अगर आप सीडलेस वाटरमेलन देखोगे तो आपको उतने हार्ड डार्क ब्लैक कलर सीड्स नहीं मिलते, आपको वाइटिश कलर के छोटे छोटे पेपरी से मिलते हैं, जिसको चबा के खा भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, और फील भी नहीं होगा कि आप कुछ खा रहे हो ऐसा। तो वो जो वाइट छोटा हर्बेशियस सा रह गया ना, दैट इज अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल, वो ओव्यूल ही रह गया, हमने आसपास सीड बना वो फ्रूट बना दिया, सो दैट इज नोन एज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प, द वॉल ऑफ द फ्रूट इज नोन एज पेरिकार्प एंड सीड्स, दो चीज़ें होंगी। द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी, अब इसका क्या मतलब हुआ, ड्राई और फ्लैशी मतलब पेरिकार्प के तीन लेयर्स होते हैं, ठीक है, पेरिकार्प हैज थ्री लेयर्स, कौन से, आउटर एपी, मिडल मीजो एंड इनर एंडो, पेरिकार्प दैट इज द फ्रूट वॉल इज डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स, आउटर एपिकार्प, एपिडर्मिस होता है जैसे एपिकार्प, मीजो मीन्स मिडल, मिडल पोर्शन ऑफ इट मीजोकार्प, एंड एंडो मीन्स इनसाइड इनर। ठीक है, ये तीनों लेयर्स अगर प्रॉपरली डिस्टिंग्विशेबल हैं तो वो कहलाया जाता है फ्लैशी, सिंपल फ्लैशी फ्रूट। अगर ये तीनों लेयर्स दैट इज एपी मीजो एंडोकार्प आर नॉट डिफ्रेंशिएबल, एक दूसरे से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसे हम कहते हैं ड्राई फ्रूट। ये वो ड्राई फ्रूट नहीं है जिसे हम ड्राई फ्रूट बोलते हैं, हम तो सूखे हुए फ्रूट को ड्राई फ्रूट बोलते थे, अपना कॉन्सेप्ट बोटानिकली या साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है, हमने बोला रे देखो किशमिश ड्राई फ्रूट, क्या है किशमिश, किशमिश इज अ ड्राइड ग्रेप, रेजन्स आर ड्राइड ग्रेप्स, ग्रेप्स आर नॉट ड्राई फ्रूट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक और बोटानिकल टर्म्स। ठीक है, बोटानिकल टर्म्स में जो भी फ्रूट जिसमें तीनों लेयर्स आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, दैट इज नोन एज अ ड्राई फ्रूट। ओके, सूखा हुआ फ्रूट इज नॉट ड्राई फ्रूट, ऐसा झोल होता रहता है, कोई नहीं। इन मैंगो देखो, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रूट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट 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 फ्रूट, और जब मैं फ्रूट पढ़ाती हूँ तो आधी जनता तो सब्जी मंडी पहुंच जाती है, तो मैम ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा, जितने पढ़ने पढ़ो, पूरे तीन तीन चार चार पन्ने दिए हुए हैं कुछ कुछ रेफरेंस बुक्स में, चारों पन्ने याद करो तुम, करो, क्योंकि मैं बोलूँगी करो तो तुम नहीं करोगे, और मैं बोलूँगी नहीं करो तो तुम करोगे याद। ठीक है, क्वेश्चन घूम फिर गया था ड्रूप पे, आई एम गोइंग टू सेव योर टाइम बाय सेइंग कि सिर्फ इतना पढ़ लो, बट यू डोंट वॉन्ट टू सेव योर टाइम एंड गिव इट टू फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स कौन पढ़े वो तो वैसे समझ नहीं आ रहा तो हम एक काम करते हैं, अलग अलग तरीके फ्रूट पढ़ते हैं, अपने को बड़े हो गए सब्जी का ठेला लगाना है, नॉट नीडेड, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट वाली बात अलग है, इफ यू आर इंटरेस्टेड गो अहेड सर्च फॉर इट, वो क्यूरियोसिटी नहीं मार रही हूँ मैं, बट ऐसा नहीं है कि कंपल्शन है। ठीक है, क्वेश्चन आया पिछले जितने भी टाइम से हमारे पास, पिछले 5-6 साल से अगर कोई फ्रूट पे क्वेश्चन आया है, 5 या 10 साल लगा लो, 10 साल से अगर कोई फ्रूट पे क्वेश्चन आया है तो इट इज़ जस्ट ऑन ड्रूप। ठीक, और भी टाइप्स हैं जो मैं धीरे धीरे स्पेशल क्लास में नॉट इन NCERT वाले सीरीज में करा दूंगी, जैसे आज हम जो कर रहे हैं दैट इज़ ट्रिप्टोफैन एंड
वॉबल हाइपोथेसिस आई विल बी कवरिंग ऑन स्पेशल क्लास. तो वो एनसीईआरटी में नहीं है बट क्वेश्चन आ जाता है कहीं पे पूछ लिया, जस्ट कुछ बच्चे क्यूरियस हैं उनको जानना है. तो ऐसे में आई विल ऑल्सो गो फॉर टाइप्स ऑफ लीव्स, टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, टाइप ऑफ फ्रूट, बिकॉज दीज आर नॉट नीडेड बट टू आंसर द क्यूरियोसिटी डेफिनेटली आई विल टेक द क्लास. ठीक है, तो स्पेशल क्लास में ज़रूर उसको एक दिन कर लेंगे. इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप. ओके, ये रहे दोनों. द डेवलप दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी, मतलब एक कार्पल होगा, सुपीरियर ओवरीज, हाइपोगाइनस फ्लावर एंड आर वन सीडेड, एक सिंगल सीड. ठीक है, तो मोनोकार्पलरी, सिंगल सीड एंड सुपीरियर ओवरी. द मैंगो, इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर थिन एपिकार्प, बाहर वाला लेयर थिन है, मैंगो की बात हो रही है. मिडल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प, इसको आप खाते हो आम में, एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प. क्योंकि एंडोकार्प, जैसे हम आम खाओगे ना, आम की जो गुठली होती है जिसको आपने मस्त आराम से खाया, उसके बाद उस गुठली को ऐसे करके देखना, अंदर कुछ बजता है. बिकॉज द हार्ड कवरिंग दैट यू आर थिंकिंग की गुठली है, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ ओवरी, एंडोकार्प है वो. उसको तोड़ोगे ना, उसके अंदर सीड है. अगर आप उसको तोड़ते हो तो अंदर सीड मिलेगा उसके आपको. ठीक है, सो इनर स्टोनी फ्रूट होने की वजह से दीज आर ऑल्सो नोन एज स्टोनी, स्टोनी एंडोकार्प है ना, स्टोनी फ्रूट भी बोलते हैं हम ड्रूप को. इन कोकोनट, इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप, मीजोकार्प इज फाइब्रस. अब आपने नारियल पिया है ना, नारियल पानी, कोकोनट की बात करते हैं. कोकोनट के अंदर हमारे पास एडिबल पार्ट जो है, दैट इज एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म एम्ब्रियो सैक में होता है वो. ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए फ्लूइड बनाया जाता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाया जाता है, दैट इज नोन एज एंडोस्पर्म. ग्रीन वाला जो आपने नारियल पिया है ना, उसमें जो ग्रीन लेयर होती है बाहर की, राइट, जिसको हम देखा है यार सबने, द ग्रीन पार्ट दैट वी हैव इज एपिकार्प. बाहर आपने उसको काटा, अंदर एक वाइट वाइट वाला लेयर आता है कच्चे नारियल में. ठीक है, जब वो बिल्कुल सूख जाता है तो वो ब्राउन हो जाता है, फाइबर जैसा बिल्कुल, आप खींच खींच के निकालते हो, उसको कॉयर बोलते हैं. गद्दों में भरा जाता है, रस्सियां बनाई जाती हैं. कहाँ से आ रहा है? मीजोकार्प से आ रहा है बेटा वो. मीजोकार्प इज फाइब्रस. ठीक है, अब आपने वो छील दिया जब वो पूरा पार्ट, ठीक है, फाइब्रस वाला पार्ट, पूरा ब्राउन वाला पार्ट आपने सारा छील दिया, जो कि पहले वाइट था, फिर धीरे धीरे वो ब्राउन हो जाता है, ब्राउन को आप छीलते हो. अब आपके पास नारियल आया जिसको आप पट मारते हो गृह प्रवेश पे, है ना, और एक क्रैक आता है, एक क्रैक आता है ना जिस स्ट्रक्चर पे, जिसको फिर उसमें तो खोद खोद के नारियल निकाल रहे हो तुम. जो वो क्रैक आया, दैट इज एंडोकार्प. तो अगेन एंडोकार्प इज स्टोनी. चलो आगे. ओके, सीड वाला पोर्शन आई विल गो फॉर टुमारो मॉर्निंग 9 AM. सीड एंड टेक्निकल टर्म्स जो हमारे फैमिली को लेके हैं, ठीक है, उनको हम कल सुबह पढ़ते हैं. दीज टू सीड्स आई विल डिस्कस टुमारो. मेधावी बैच में ऑलरेडी स्टार्टेड, गोइंग टू स्टार्ट विद बायोडाइवर्सिटी टुमारो. ठीक है, कुछ नए नए ऑफर्स भी आए हैं अभी, कल सुबह की 9 बजे वाली क्लास में बताऊँगी कि वॉट ऑल न्यू ऑफर्स आर देयर टू जॉइन प्लस. ठीक, दैट यू कैन कीप इन माइंड वाइल ज्वाइनिंग. तो प्लस पे आपको बहुत सारे लाइव सेशंस और टेस्ट्स और अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डिंग्स एंड लाइव लेक्चर्स वगैरह मिल जाएगा. अगर आप उससे भी ज़्यादा थोड़ा वन ऑन वन इंटरेक्शन चाहते हो ना बेटा, देन यू कैन गो फॉर पर्सनल गाइडेंस एंड डाउट क्लियरिंग, स्टडी प्लानिंग, डाउट क्लियरिंग, मेंटोरशिप, इनके लिए वन ऑन वन डिस्कशन भी आप रख सकते हो अगर आप आइकॉनिक के लिए जाते हो.
ठीक। इसके अलावा नोट्स भी आपके घर पे हार्ड कॉपी जो अनअकैडमी के नोट्स हैं वो भी आपको डिलीवर हो जाएंगे। बट दिस इज वैलिड फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। तो बिना मतलब और लेट करोगे दिसंबर से अगले दिसंबर लेके क्या करोगे, है ना। तो अगर आप अवेयर हो, आपको मिल चुका है, जानते हो सब कुछ, तो देन यू कैन गो फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन एज वेल। ठीक है, करना सिर्फ इतना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। प्लस में मेरे क्लासेस होते हैं 5 बजे और ये अभी स्पेशल क्लास 10 बजे है, वैसे 10 PM आई विल शेयर द लिंक। 10 बजे ही है, एक मिनट रुको। ओ 10 बजे, 10 बजे प्लीज, 10 बजे, क्योंकि 9:30 तो हो गए। हाँ 10 बजे, 10 बजे फ्री स्पेशल क्लास, जिसमें मैं ट्रिप्टोफैन ओपेरोन और वॉबल हाइपोथेसिस करा रही हूँ। ठीक है, समझना हो तो बिल्कुल आ जाइएगा क्लास में। ठीक, खाना खा लो, आधा घंटा है, उसके बाद आई विल सी यू इन क्लास। यू कैन यूज कोमल लाइफ कोड टू जॉइन अनअकैडमी प्लस, जिस पे आपको मेरे अलावा और भी बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे बैचेस मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है दैट इट इज़ एन ओपन प्लेटफॉर्म, तो आप चाहो जितना भी यू वॉन्ट यू कैन गो एंड सिट इन एनी बडीज क्लास। आई वुड नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन इनिशियली आप ये काम कर सकते हो कि आप जाके अलग अलग टीचर्स के क्लास में बैठ सकते हो, जिन टीचर्स का आपको ज़्यादा समझ में आता है, कनेक्ट होते हो जिनसे, उनके क्लास में फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे नए नए बैचेस, अलग अलग टीचर्स के कॉम्बिनेशंस हैं, सो दैट यू कैन फाइंड द बेस्ट दैट इज़ फॉर यू। ये कॉम्बोज चलते हुए जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन क्लास एट 10 PM फॉर ट्रिप्टोफैन एंड वॉबल हाइपोथेसिस। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, PDF मिल जाएगा जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने स्टार्टिंग में बताया था उस पर, और यहाँ पर भी आपको PDF अपडेट कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। Stay happy, stay hydrated, stay safe. See you. Bye-bye.